ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। कोरोना वैक्सीन है नहीं, अवाम लगवाएं कहां से। कई शहरों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म। रावलपिंडी के 7 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हैं। सरगोधा, मियांवाली, मुल्तान, डेरा गाजी खान में भी वैक्सीन की किल्लत। बहावलपुर, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन दस्तियाब नहीं। सरकार आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, वो वैक्सीन आपको मिल रही है, मुफ्त मिलती है। आप वैक्सीनेट अपने आप को कराएं ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पर इस वायरस से अपने आप को बचा सके, अपने घर वालों को बचा सके। और इस सिलसिले में आपने देखा कि सिंध भर में तकरीबन कोई 350 मुख्तलिफ मकामात पर हमने वैक्सीनेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए ताकि एक आम आदमी आसानी से वैक्सीनेट करा सके। सिंध में वैक्सीन पीर से दोबारा शुरू करने का ऐलान। 350 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बता दिया, 21 जून से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला। 28 जून से दरगाहें, पार्क्स और इंडोर जिम्स भी खुल जाएंगे। पाकिस्तान में 3 माह बाद कोरोना से एक दिन में कम तरीन अमवात। वायरस मजीद 27 जाने ले गया। 24 घंटे में 991 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मजमू तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। कराची में वबा का फैलाव 8% रिकॉर्ड किया गया। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन खत्म। बैरून मुल्क सफर करने वालों को 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत। वैक्सीन न मिलने पर शहरियों का पारा हाई। गेट तोड़कर वैक्सीनेशन सेंटर में दाखिल हो गए। अमरीका को फौजी अड्डे नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना मौकिफ फिर दोहरा दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि अमरीका को अफगानिस्तान में एक्शन के लिए अड्डे दे दें। CIA को पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म के 2 टोक जवाब पर अमरीकी सहाफ़ी भी हैरान। एब्सोलियो टेलीनॉट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। Government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. क्या मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर घुटने टेक दिए। मोदी ने 24 जून को कश्मीरी रहनुमाओं की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। जम्मू कश्मीर की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने दावतनामे की तस्दीक कर दी। मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत की बहाली पर बातचीत का इम्कान है। स्पीकर के हुक्म के बगैर बिलावल भुट्टो की तकरीर कैसे सेंसर की गई। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, वजीर दिफा का उछाला गया कागज किसी को लग जाता तो 4-6 अपोजिशन अरकान लुढ़क जाते। बिजली और गैस के इस्तेमाल में 23% कमी हुई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी इस्लाहात पर तहफुजात। इलेक्शन एक्ट की कई शिकें आइन से मुतसादम करार दे दी। आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बदियों की तजवीज आइन के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन का विफाकी हुकूमत को खत। दूर दराज इलाकों के अफसर नई नस्ल के लिए मिसाल बन गए। IG पंजाब इनाम गनी का ताल्लुक मालाखंड से है। DG FIA सनाउल्ला अब्बासी लाड़काना से हैं। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान बन्नू के रिहायशी। IG सिंध मुश्ताक महर शिकारपुर का डोमिसाइल रखते हैं। IG बलोचिस्तान राय मोहम्मद ताहिर का आबाई इलाका कसूर, जबकि कमांडेंट FC सलाहुद्दीन खान शिमाली वजीरिस्तान से हैं। खबरदार, कोरोना के बाद कराची में एक और वबा ने हमला कर दिया। कैंडिडा और फंगस नामी खतरनाक बीमारी का पहला केस सामने आ गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी तेजी से फैलती है। रुतफाओ सिविल अस्पताल कराची में अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में नेगलेरिया से 30 बरस का नौजवान जाँ भाग। नेगलेरिया का शिकार मोहम्मद अली
قائد آباد کا رہائشی تھا، آخری بار کینٹ اسٹیشن مسجد سے وضو کیا۔ کینٹ اسٹیشن کی مسجد کے واٹر ٹینک کے پانی میں نیگلیریا کی موجودگی پائی گئی۔ کراچی میں ملیر ندی پر قائم لنک روڈ سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ ملیر سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے کا زمینی رابطہ منقطع، لنک روڈ بند ہونے سے سپر ہائی وے پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ قدامت پسند ابراہیم رئیسی بھاری اکثریت سے ایران کے صدر منتخب ہو گئے۔ ابراہیم رئیسی نے 1,78,00,000 ووٹ حاصل کیے۔ صدر حسن روحانی کی نئے صدر کے لیے نیک تمنائیں۔ فلائنگ سنگھ کا لقب حاصل کرنے والے بھارتی ایتھلیٹ ملکھا سنگھ کرونا کے باعث چل بسے۔ ملکھا سنگھ کی عمر 91 برس تھی، گزشتہ ماہ سے کرونا وائرس میں مبتلا تھے۔ محمد عامر سے کوئی اختلاف نہیں، وہ ریٹائرمنٹ واپس لیں، پرفارم کریں تو ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے ٹیم میں بہتری لائیں گے، مڈل آرڈر بیٹنگ کے مسائل حل کریں گے۔ پی آئی اے کی پہلی ایئر سفاری پرواز، 13 ملکوں کے 91 شہریوں کی نانگا پربت اور کیٹو کے فضائی سیر سپاتے، سیاحوں کا شنگریلا جھیل پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔